आपसे स्टार्ट करते हैं कि बताइए कि क्या बहुत सारे अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं और मुंह मीठा भी हो रहा है, तो बताइए कि क्या टेक है। मुंह मीठा नहीं हो रहा, मुंह फीका कर रहा हूं मैं, बिकॉज़ ये जॉन का गाजर का हलवा, देखिए इधर गाजर का हलवा, इसमें शक्कर नहीं है क्योंकि जॉन को शक्कर पसंद नहीं है। मुझे भूख लग रही थी तो उन्होंने मुझे गाजर का हलवा दिया। इसमें क्या है, जैगरी है, गुड़ है, गुड़ है इसमें, गुड़ वाला गाजर का, बहुत गुड, इज वेरी गुड, इज वेरी गुड। और अब हम इसमें आप बोल सकते हैं कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गाजर के हलवे, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है कि आम जनता भी इस तरह का आंकलन करती है, मतलब डायरेक्टर्स के बारे में तो लोगों को ज़्यादातर यू नो पता नहीं होता कि डायरेक्टर करता क्या फिल्म, लेकिन अभी इंडिया में आई थिंक धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है और उन्होंने ये एक तरह से एनालिसिस शुरू कर दिया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और इट्स वेरी टचिंग कि लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। एक्चुअली डायरेक्टर तभी सक्सेसफुल होता है जब फिल्म सक्सेसफुल होती है, फिल्म की सक्सेस में डायरेक्टर की सक्सेस है। सो फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत बहुत खुश हूँ। जी, जब आपने हमें सुना, आपने पब्लिक रिव्यू भी खुद से देखा, एक देखा, दो देखा, देन उसके बाद आपको इंटरेस्ट आया, आपने ढेरों सारे पब्लिक रिव्यू देखे। जी, पहली बार इतने पब्लिक रिव्यूज देख रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी ने कहा कि देख लो जॉन, क्योंकि इसके पहले इतना हुआ नहीं है, सो जस्ट सी इट। और देखा, मैं एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा हमें, आउटस्टैंडिंग। जी हाँ, एक्चुअली सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अक्सर जब भी आदमी का एक फिजिकलिटी होता है, बॉडी होता है, एक्शन हीरो होता है, तभी ज़्यादा उनके परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इस फिल्म के अंदर काफ़ी, और मैं अभिषेक को क्रेडिट देना चाहता हूँ, बिकॉज थैंक्स टू हिम मेरा जो परफॉर्मेंस है, और बहुत फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने कहा कि देर इज़ नो गुड और बैड एक्टर, देर इज अ गुड और बैड डायरेक्टर, तो उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होता है, एंड आई थिंक अभिषेक इज गॉट द बेस्ट आउट ऑफ मी, तो बहुत ही एनकरेजिंग लग रहा है। उसके अलावा काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि परमाणु इज द बेस्ट फिल्म दे हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम, तो वो बहुत एनकरेजिंग है हमारे लिए, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादातर मेरे परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुझे फिल्म की फिक्र है, और जब भी फिल्म का अच्छा जिक्र होता है देन आई एम वेरी हैप्पी। जी, मेरे मॉम डैड गेटी गैलेक्सी में जाके देखते फिल्म हर, क्योंकि मॉम के जो बेस्ट फ्रेंड है वो गेटी के प्रोजेक्शनिस्ट है दुबे जी, अच्छा। तो वहाँ से उनको टिकट्स मिलते हैं, वहाँ जाके देखती है, तो वहाँ पे जब भी उन्होंने देखा, तभी एंड में जब भी वो क्लाइमैक्स आता है, ऑडियंस उठ के चिल्लाती है भारत माता की जय, तो उन्होंने कहा कि पहली बार जो मैं देख रही हूँ ऐसे, मतलब ये जो देशभक्त का जो माहौल है थिएटर के अंदर, इट इज मतलब स्केरी, इट इज वाओ, तो बहुत अच्छा लगा उनको। ये जो लाइव कॉमेडी जो आप सुनते हैं कि भारत माता की जय, और जो इस तरह की फिल्में, तो क्योंकि इस तरह की फिल्में आपने और कभी की नहीं, हमने डिफरेंट जॉनर की फिल्में देखते हैं आपको, और इस तरह की फिल्में क्या टेक होता है आपका? नहीं, बहुत मैं तो ऑडियंस के साथ देखी पिक्चर, तो मैं एकदम जो ये बता रहे हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जॉन ने अभी तक ऑडियंस के साथ नहीं देखी, और मैं उनको बार बार पुश कर रहा हूँ, आई नो कि मॉब हो जाएंगे और चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से उन्हें जाना चाहिए, वो जो फीलिंग है ना, वो आप बयान नहीं कर सकते। जब ऑडियंस के साथ देखते हैं, वो सही टाइम पर रिएक्शन हर एक चीज़ का दें, और एंड में जब थिएटर में कई बार क्लैपिंग हो रही है या भारत माता की जय बोल रहे हैं लोग, और जिस तरह से वो निकल रहे हैं बाहर, और इससे जो एक कॉन्वर्सेशन भी शुरू हो रहा है कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, ये एक बहुत बहुत अच्छा एहसास है, जो अभी कुछ हफ्तों के लिए है, फिर ये चला जाएगा। और मेरे ख्याल से एक डायरेक्टर और एक्टर के जीवन में ऐसा बहुत कम होता है, इस तरह की फीलिंग। मेरे ख्याल से जॉन आपको जाना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल है इस पिक्चर में, एंड ऑफकोर्स आई मीन यू कीप गिविंग मी क्रेडिट, बट किया तो उन्होंने ही है, एंड एंड में खासतौर से जो उनका एक्सप्रेशन है, आई थिंक दैट्स द रीज़न पिक्चर को जो यूनैनिमस अच्छी वर्डिक्ट मिली है पब्लिक की, क्योंकि जॉन ने ना मन जीत लिया, एंड दिल जीत लिया उस, मतलब ऑफकोर्स बाकी फिल्म भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उस आखिरी 30-40 सेकंड में जो जॉन का अभिनय है, वो ऐसा है कि वो वहाँ पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है मेरे लिए, कि यही है, यही फिल्म है, और लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने, तो लोगों का जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव ही होगा, उसके बाद बाहर आने के बाद आदमी बोल ही नहीं सकता बुरा फिल्म के बारे में। आई थिंक जॉन गेटी गैलेक्सी
तो आपकी पीआर टीम मैनेजमेंट, लेकिन करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली, मैं तो हर सिनेमा हॉल में जाना चाहता हूँ. अभिषेक और मैं, आई वाज गोना टॉक टू यू, ये प्लान करना चाहिए हमें कि वी शुड गो. यू हैव टू जस्ट मेक योर माइंड एंड आई एम देयर. या तो प्लान करके डेफिनेटली. अच्छा, जो स्क्रिप्ट की मैं बात करना चाहूंगा, जब कोई प्रोजेक्ट पर आप कहते हैं कि इस पर काम होना चाहिए एंड कुछ टाइम के बाद उसी के लिए आपको निकाल दिया जाता है, जैसा कि फिल्म में है, देन बाद में उसी चीज की काफी तारीफ होती है, कैसे देखते हैं इंसान? समझा नहीं. फिल्म परमाणु को जब आप कहते हैं कि इस पर काम किया जाना चाहिए, देन कुछ एक सीनियर ऑफिसर कि नहीं ये तो बकवास प्रोजेक्ट है, फिर देन आपको निकाल दिया जाता है उस प्रोजेक्ट से, कैसे देखते हैं इन सारी चीजों? आई थिंक इट्स अ स्ट्रगल, और आई थिंक वो एक अश्वथ रैना की जो जर्नी है, स्टार्टिंग में उसकी जर्नी है, उसके बाद उसके मिशन पे लोग आते हैं उसके साथ, और कैसे ये फाइनल होता है 95 से 98 तक, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. और एंड में मेरे हिसाब से आई थिंक जब ही अश्वथ रोता है एंड में, आई थिंक दैट्स द सेम फीलिंग वी गॉट व्हेन वी रिलीज अ फिल्म. या क्योंकि इट्स काफ़ी हमारे साथ, दोनों के साथ सेम हुआ है रियल लाइफ में. पिक्चर के साथ भी यही हुआ कि पिक्चर ऑलमोस्ट हमारा प्लान था, पर वो फिर ऑलमोस्ट रोक दिया गया, और उसके बाद फिर जद्दोजहद के बाद अब रिलीज हुई है, तो वही रिलीफ है जो अश्वथ का रिलीफ है एंड में, वही हम दोनों का रिलीफ है. पर ऑफकोर्स मैं या मतलब उस तरह से इमोट नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से जॉन ने किया है, लेकिन मेरी फीलिंग सेम है जो जॉन ने दी है अश्वथ, एज अश्वथ इन द फिल्म. इट्स द सेम फीलिंग दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ. जॉन, जिस तरह से आप परमाणु आपने किया, लोगों ने पसंद किया, आप सत्यमेव जयते भी कर रहे हैं, हम ऐसा माने कि आप एक देशभक्ति के? नहीं, सत्यमेव जयते मैं प्रोड्यूस नहीं. हाँ, एब्सोल्युटली. लेकिन सत्यमेव जयते एक बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, अलग किस्म की फिल्म है. परमाणु एक कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म है, तो हर एक फिल्म का एक स्पेस होता है. दिस इज अ डिफरेंट फिल्म, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म. लेकिन ऑफकोर्स सत्यमेव जयते अगस्त 15 को रिलीज हो रही है, और उसमें जो जॉन अब्राहम को मिस कर रहे थे फोर्स में या शूट आउट एट बड़ाला में, तारे सत्यमेव जयते. सो इट्स अ डिफरेंट स्पेस. अगेन हम देखेंगे आफ्टर परमाणु के बाद कोलैबोरेशन कोई? ऑफ कोर्स. एंड कोलैबोरेशन का जहाँ तक सवाल है, मतलब ये तो ऑब्वियसली हमें सक्सेस मिली है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर सक्सेस के बिना भी, मतलब उसके पहले भी हम लोग सोच ही रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि सक्सेस और फेलियर ये दो ही चीज़ें होती हैं, कोई तीसरी चीज़ तो होती नहीं, और आपके हाथ में है नहीं. लेकिन एक आर्टिस्ट या एक डायरेक्टर और एक एक्टर जो है, वो उनका जो काम करने का जो संगम होता है, जो जिस तरह से वाइब होती है, वो एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है. अभी यहाँ हमें मिला है, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा सिनेमा बना पाएँ, बिकॉज बहुत रेयरली ऐसा होता है दैट एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप स्थापित हो. जॉन ने बहुत डायरेक्टर के साथ काम किया, मैंने बहुत एक्टर के साथ काम किया है, तो हर एक के साथ वो नई इक्वेशन बैठती है, यहाँ बैठी है, और उसका दारोमदार सक्सेस है भी नहीं. मतलब इवन जब ये पिक्चर एक तरह से डब्बे में पड़ी थी और कुछ होने लगा, हम लोग प्लान कर रहे थे, और हम लोगों को क्योंकि, और ख़ासतौर से उस स्ट्रगल के दौरान जो पिक्चर की लीगल स्ट्रगल थी उस दौरान, तो और ज़्यादा हम लोग जो है स्ट्रांग हुए हैं आपस में. तो हमारा जो यू नो जैसे बॉन्ड बोलते हैं, सो ऑब्वियसली इट्स जस्ट अबाउट, अब वी हैव टू जस्ट पुट आवर हेड्स टुगेदर कि कौन सा सब्जेक्ट, बिकॉज इट्स एन इक्विटी फॉर बोथ ऑफ अस, वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड, नॉट जस्ट इन परमाणु, बट दिस बॉन्ड इज एन इक्विटी. क्योंकि जॉन जब किसी और डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, मैं किसी और एक्टर के साथ काम करता हूँ, तो वो एक अलग संपत्ति है. जब हम दोनों साथ काम करते हैं, वो एक अलग, उसकी अलग इक्विटी, उसकी अलग वैल्यू है. और अब इवन नंबर्स में, इवन इन फ्रॉम अ ट्रेड परस्पेक्टिव, देयर इज अ वैल्यू, बट फॉर अस इट्स मोर ऑफ एन आर्टिस्टिक वैल्यू. सो दैट्स वाई वी हैव टू डेफिनेटली लुक एट वेरियस ऑप्शंस कि क्या करना चाहिए. बहुत मिस कर रहा हूँ मैं. और अभिषेक के बारे में ये कहना चाहता हूँ, इज अ वेरी गुड, नहीं वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ह्यूमरस बहुत है. तो आप इनसे कुछ भी पूछिए, वो डेड पैन ह्यूमर में कुछ बोल देंगे आपको. नहीं नहीं, खुद इनका सेंस भी बहुत कमाल है एक्चुअली. इन पे मत जाइए, ये मतलब छुपे रुस्तम है इनका जोक, पता ही नहीं, मतलब आपकी समझ में नहीं आता, जोक मारते हो फिर आप बाद में हंस रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, यू नो, अलग लेवल. अच्छा, बैक टू बैक आप वर्क कर रहे हैं या रॉ? क्योंकि मुझे ये, जैसे ये तीसरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, अभिषेक की जोया फैक्टर कंप्लीट हो जाएगी, सो आई वाज ट्राइंग टू सी तब तक मैं क्या करूं. ये टाइम किल कर रहे हैं, पिक्चर थोड़ी कर रहे हैं ये बाकी डायरेक्टर्स पे एहसान कर रहे हैं तीन में, क्या अभी वेट कर रहा हूँ मैं तो पिक्चर बना लेता हूँ बेसिकली. मतलब इनकी यही, मैं यही बोल रहा हूँ, ये ह्यूमर है इनका, इन्होंने सीरियसली बोल दिया. नहीं नहीं, हम जस्ट डूइंग थ्री फिल्म्स, उसके बाद ब्रेक लेके फिर
अगर अभिषेक के नहीं, लेट्स सी हम लोग लाइक इससे इनफैक्ट हमें जो चीज़ पता चली है वो ये कि अपने खुद के बारे में दोनों को, कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम सच में उस सब्जेक्ट पे पूरी शिद्दत से बिलीव रखते हैं तो कुछ भी कर सकते हो आप. सो कोई भी सब्जेक्ट जिसको लेके दोनों हम इक्वली पैशनेट होंगे जैसे परमाणु में थे तो वैसे करेंगे हम. चलिए थैंक यू सो मच, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक. हाँ हो गया, चलो.